जी मेरे हिसाब से तो बच्चों पे कभी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, अगर एक खरगोश हो, एक बंदर हो, एक हिरन हो, एक शेर हो और एक मछली हो, उन सब को आप एक कतार में खड़ा कर दीजिए और उन सब के लिए एक ही टेस्ट हो कि आप पेड़ पे सब लोग कैसे चढ़ पाए। अब सबको एक टेस्ट कैसे दिया जाए? मछली तो आत्महत्या कर लेगी सोच के कि मैं तो कोई पास ही नहीं होंगी, ये मछली कैसे पेड़ पे चढ़ेगी। राइट। लेकिन कई बार ऐसे हो गया ना कि एजुकेशन सिस्टम ऐसी बन गई कि बस ग्रेड्स हो गए, सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो भी किया है, और वो भी जरूरी है, लेकिन वो करते करते बच्चों के जो इंटरेस्ट है, बच्चों के जो पैशन है, उसमें उनको एनकरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पिताजी एक बार अपने बेटे को ऐसा चाटा मारे जोर से, तो पड़ोसी ने पूछा क्यों मार रहे जी? बोला कल रिजल्ट है इसका। कल रिजल्ट? तो बोले रिजल्ट कल है ना साहब, तो आज क्यों मारने? कल बाहर गांव जा रहा हूँ, कल का काम आज निपट के करता। कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा कि अगर आप बच्चों को अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से नहीं देंगे तो ये चाटे ही खाते रहते, पर ये फेल ही होते रहेंगे। बहुत सही। ओके, अच्छा विवेक सर का एक कहना है कि बच्चों का अगर 95% से ज्यादा मार्क्स आते हैं वो भी खतरनाक होते हैं, 75 से 85% वाले जो बच्चे होते हैं लाइफ में बड़ा अच्छा करते हैं। कभी किसी पेरेंट्स ने आगे कहा है कि आपकी वजह से मेरा 95% वाला बच्चा 75 पे आ गया? नहीं, बेसिकली 95% देखिए, स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, जो बताया, वो क्लासरूम बेस्ड कंसेप्चुअल थियोरेटिकल अप्रोच है, और उसमें बच्चे को क्या चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस सब्जेक्ट में 10 में से 3 आ रहे हैं उस पर फोकस करने की जगह वहाँ फोकस करो जिसमें 10 में से 7 आ रहे हैं, ताकि उसका सुपर स्पेशलिस्ट बने, पर वहाँ सब कुछ पोर किया जा रहा है। तो 95% के चक्कर में, 98% के चक्कर में अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर नहीं पाता है, और ये पुराने पैटर्न्स के कारण हमारे यहाँ बच्चे डेवलप नहीं हो रहे हैं, और पैटर्न इतने मजबूत हैं। तो मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि बच्चे को जो उसको आता है, जो उसको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बच्चा इतना सफल हो जाता है कि उसके मुकाबले कोई और खड़ा नहीं हो पाता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। मैं देखो, ये पुराने बिलीफ तोड़ने जरूरी है। आप जानते हैं गाय दूध देती है, यस नो? यस नो, गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। ये पुराना पैटर्न है भाई, ऐसे ही कामयाबी सफलता अपने आप नहीं मिलती है, वो भी निकालनी पड़ती है। तो ये लाइफ में कुछ पाने के लिए हमारे को कुछ खोना पड़ता है। वुड यू अग्री विद मी? यस नो? नो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है। तो ये हमारे बड़े पुराने पैटर्न है जी, क्योंकि डर के आगे नहीं होती है जीत, डर के आगे दर्द होता है, उसके बाद सीखे तो फिर जीत होती है। पर चक्कर क्या है, हमारे पुराने पैटर्न बड़े सारे बने हुए हैं, और वही पुराने पैटर्न के चक्कर में कि जितनी चादर उतना पैर पसारो। क्यों पसारो? डबल बेड की चादर लाओ, नई चादर लाओ, पैर बाहर निकालो, आगे बढ़ो। सो वी गॉट टू ब्रेक दोज पैटर्न्स, आगे निकलिए, बेटर बिलीफ डेवलप करिए, आसपास अच्छे लोगों की संगत रखिए, पैटर्न्स को बदलेंगे, चीजें बदलेंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।